और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एमपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, उपचुनाव में संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी करेगी प्रचार, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में तैयार करेंगे माहौल। बुधनी और विजयपुर में सियासी जमीन करेंगे तैयार। दिल्ली आलाकमान ने कमलनाथ को फिर से एमपी में एक्टिव कर दिया है, बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से इन दोनों पर जिम्मेदारी रहने वाली है कहीं ना कहीं, और लंबे समय से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, एक बार फिर से जो खबर आ रही है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर, क्या केवल सांकेतिक तौर पर एक दो इनके कार्यक्रम हैं, या जैसा हम देखते हैं अमूमन बड़े नेता कई कई कार्यक्रम करते हैं, उस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? देखिए लोकेन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उपचुनाव को लेके पार्टी यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। और बीते दिनों राहुल गांधी से जब मुलाकात कमलनाथ की हुई, उनके घर पे लगभग एक घंटे तक मुलाकात हुई, उस एक घंटे मुलाकात के बाद हमने देखा कि किस तरीके से लंबे अरसे से धरने प्रदर्शन से दूर कमलनाथ भोपाल में उपवास में बैठे और धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए उसके बाद अब पीसीसी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कमलनाथ को दिल्ली आलाकमान की तरफ से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उपचुनाव वाली सीट यानी कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगह पर उनकी सभाएं संबोधित होंगी, खासतौर पर दोनों ही की जोड़ी यानी कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ। हमने देखा किस तरीके से 2023 के चुनाव में दोनों ने ही पूरी बागडोर संभाली हुई थी, उपचुनाव में भी इसी प्रकार से हमें बागडोर संभालती हुई दिखाई देगी। दोनों ही सीटों पर प्रचार के साथ साथ चुनावी रणनीति भी दोनों नेता तैयार करेंगे। हालांकि इस बीच में जीतू पटवारी का रोल भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का ये मंशा है कि युवा जोश के साथ साथ अनुभव जो नेता हैं उनका भी पूरी तरीके से भरपूर इस्तेमाल किया जाए। देखिए कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि 2023 के जो परिणाम रहे या 2024 के जो परिणाम रहे कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहे। हालांकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संगठनात्मक तौर पर वापिस खड़ी हो चुकी है, एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से रोशनपुरा पे जीतू पटवारी भले ही उपवास पे बैठे हैं उस दिवस, लेकिन तमाम बड़े नेता जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल राहुल सिंह, ये तमाम जो नेता जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी तमाम धरने प्रदर्शन से बना चुके थे, वो एक बार वापिस सक्रियता से हमें वापिस दिखाई दिए थे। कमलनाथ का उस दिन भाषण हुआ था उपवास के दौरान, तो इस बात के संकेत वो दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वो सक्रिय होने जा रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि जिस तरीके से उपचुनाव है और उपचुनाव का जो गणित हम समझ पा रहे हैं लोकेन, वो स्पष्ट ये दिखा रहा है कि लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जीतू पटवारी अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में तमाम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के अंदर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है। ये नाराजगी उन जिलों उन विधानसभाओं में भी है जहां पे उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कांग्रेस का यही मकसद है कि जीतू पटवारी के साथ साथ ये दोनों नेता अगर सक्रिय होते हैं तो तमाम वो कार्यकर्ता जो लंबे समय से दिग्विजय सिंह के गुट के या कमलनाथ के खेमे के हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर काम करते हुए वापस दिखाई देंगे और ये पार्टी के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा, एक बेहतर संकेत जाएगा। ऐसे में उपचुनाव की जो घड़ी चल रही है, उसको चुनाव का जो रण चल रहा है, उस रण में ये दोनों ही नेता एक चक्रव्यूह बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। अब बहरहाल लेकिन देखिए कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ खासतौर पर जिस तरीके से जो कार्यालय प्रभारी हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि दोनों नेताओं की सभा वहां पर संबोधित की जाएगी, कितनी सभाएं होंगी इसका एक आकलन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए तमाम दूसरे नेता हैं उसको भी वहां पर उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन खासतौर पर ये दोनों चेहरे जो बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और लंबे समय से नाराज कम से कम कमलनाथ हमें दिखाई दे रहे थे, वो वापस जब सक्रिय होंगे तो पार्टी के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। और दोनों नेताओं का अपना एक कार्डर भी है प्रदेश के अंदर, उनको वो कितना एक्टिव कर पाते हैं और एकजुटता कितनी कांग्रेस में दिखती है, देखने वाली बात होगी। वही प्रकृति की गोद से सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही